जनपद में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण डीडीयू विश्वविद्यालय में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जनपद के सभी बूथों पर एसएसबी जवानों की ड्यूटी 50% बूथों पर वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर को लगाया गया है, जिसका प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है और मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, माइक्रो ऑब्जर्वर सभी पोलिंग बूथों की निगरानी करेंगे और निर्वाचन आयोग व प्रेक्षक को चुनाव की अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मॉक पोलिंग के दौरान खराब होगी तब क्या करेंगे और रियल पोल के दौरान खराब होगी तब क्या करेंगे। मॉक पोल के दौरान इन तीनों में से जो यूनिट खराब हुई सिर्फ और सिर्फ वही बदली जाएगी, उसकी जगह ये सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, वो मशीन लेके आएंगे, उनके पास रिजर्व मशीन होती है, आपके पास कोई चीज रिजर्व में नहीं रहती, वो आएंगे, वो यूनिट बदली जाएगी, उससे संबंधित फार्मेट है वो भरे भराए जाएंगे और फिर वो नई यूनिट लेके लगाई जाएगी, पुरानी को हटा दिया जाएगा। मॉक पोल के दौरान जो यूनिट खराब होगी वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाएगी, आप नहीं रखेंगे, जो खराब वाली है और जो नई वाली है उसे लेके मॉक पोलिंग फिर कराएंगे। और यदि रियल पोल के दौरान खराब हुआ तो उसमें दो केस है, केस नंबर वन, यदि वीवीपैट खराब हुई रियल पोल के दौरान तो सिर्फ वह वीवीपैट बदली जाएगी और किसी भी मॉक पोलिंग की जरूरत नहीं होगी। अब उसमें सवाल आपके दिमाग में आएगा, रियल पोल के दौरान मान लीजिए पोलिंग हो रही थी तो वीवीपैट में कुछ वोट पड़ गए थे तब ना खराब हुआ है, और जो नहीं लेंगे उसके भी फैक्ट हो गए। अब उसमें मॉक पोल आप करा सकते हैं क्या, जो मान लीजिए नया आपने लिया वीवीपैट, तब दिमाग में आएगा ना कि ठीक है कि नहीं, तो सीट तो तोड़ नहीं सकते, इसका स्टेटस जीरो अब नहीं है, वोट पड़ा हुआ है, तो मॉक पोल कैसे कराए, तो मॉक पोल नहीं हो सकती, ना ही कराया जाए। और जो पुराने वाले हैं टोटल बटन दबा के देख लिया जाएगा कितना कुल वोट पड़ा है, वो नोट कर लीजिए, इनको इनके कैरेज पेट में डाल तुरंत सील कर दिया जाएगा, ऐसे करके फिर जीरो पर लाएंगे तब ना अगला पोल शुरू होगा, तो सीआरसी अपना करके स्विच ऑफ कर देंगे, सीटों की सीलिंग की जाएगी, सही वाले लिए ऐसे यही टीम रहती है, जो पुरानी वाली खराब हुई जिसको वो पड़ा था उस तरह टीम ही रहती है, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं दी जाएगी। इसके लिए कुल और एक फार्म फोर है, तो फोर वाला जब मॉक पोल के दौरान खराब होती है तब उसका इस्तेमाल होता है। माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में सभी बूथों पे केंद्रीय सुरक्षा बल वेब और 50% से ज़्यादा बूथों में वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर्स प्रेषित करने के निर्देश हैं, जिसके क्रम में माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो केंद्रीय इकाइयां हैं, यहां पे केंद्रीय विभाग हैं, विभिन्न राज्य स्तरीय इकाइयां हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर्स के रूप में, प्रेक्षक के रूप में, माननीय सामान्य प्रेक्षक जो आयोग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ तैनात हैं, उनके मार्गदर्शन में तैनात किया जाएगा, उनका आज प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, उनके द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी पोलिंग सेंटर्स में और उसके माननीय आयोग और प्रेक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव किया गया है या नहीं, और उसी के आधार पर आंकलन किया जाएगा। अभी उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण करने के लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं, मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है।